नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका यूनिक एडअप चैनल पर। दोस्तों, ये आज के वीडियो का आप फास्ट मोड देख रहे हैं। इसका पूरा डिटेल विद वॉइस आपको आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम जब भी कोई ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, प्रोस्पेक्टस या कोई और फ्लेक्स वगैरह की डिजाइन करते हैं तो वहाँ पर हमें आइकॉन्स डिजाइन भी तैयार करना होता है, जिससे हमारे डिजाइन का लुक काफी बेहतर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कस्टम वेक्टर आइकॉन्स बनाने के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो हमारा ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने ये कोरा डॉ की एक न्यू फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे कुछ आइकॉन्स डाउनलोड करके हमने रख लिया है, जैसे मोबाइल का, वेबसाइट का, ईमेल और लैंडमार्क का। अब हम इसकी मदद से एक आइकॉन्स यहाँ बनाने जा रहे हैं। एलिप्स लेकर हमने यहाँ पर एक एलिप्स सर्किल बना लिया और उसमें 30% ब्लैक कलर फिलअप कर दिया, 30% ब्लैक। अब हम जाएंगे मेश फिल में, और सेंटर वाला पॉइंट सेलेक्ट करके वहां पे व्हाइट कलर फिलअप कर देंगे और लेफ्ट साइड का नॉट पकड़ के उसे हम बिल्कुल लास्ट तक ले जाएंगे। इसी तरह सेकेंड नॉट को भी हम पकड़ के बिल्कुल लास्ट तक ले जाएंगे। यही प्रोसेस हम चारों तरफ के लिए करेंगे, कुछ इस तरह। ये बहुत ही आसान तरीका है एक आइकॉन को 3D लुक देने का। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इलिप्स है उसका एक अलग लुक यहाँ पे दिखने लगा है। ये मेरा काम चारों तरफ का नॉट को हमने सही कर दिया। ये एक एम्बॉस टाइप का इफेक्ट आ गया। अब हम दोबारा एक इलिप्स लेंगे और उसे ड्रॉ कर देंगे। उसमें व्हाइट कलर हमने अभी फिलहाल फिलअप कर दिया है, उसका साइज थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और आउटलाइन उसका हम यहां से नन कर देंगे। उसमें अब हम गोल्डन कलर फिलअप कर देंगे। दोबारा से हम इलिप्स टूल में गए और वहां पर एक छोटा सा इलिप्स ड्रॉ करेंगे। गोल्डन कलर के सर्किल से सटा हुआ ऊपरी साइड में इसको हम सेट करेंगे और उसका कलर व्हाइट करके आउटलाइन हटा देंगे। अब हम ट्रांसपेरेंसी टूल्स का यूज करने जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल्स, ट्रांसपेरेंसी में यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी से हम दे देते हैं।
मोड इसका हम नॉर्मली रखते हैं और इस एलिप्स को अब हम कन्वर्ट टू बिटमैप करने जा रहे हैं, क्योंकि इस एलिप्स पर हमें फिर से एक बार ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देना है। ये बिटमैप में हमारा एलिप्स कन्वर्ट हो गया, हम दोबारा ट्रांसपेरेंसी टूल्स में गए और उसे लाइनर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट यहाँ पर दे दिए। अब इसका साइज हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अभी हमारा कुछ इस तरह का लुक दिखने लगा है। दोबारा से हम मेश फिल टूल्स पे जाएंगे और लेफ्ट साइड के नॉट की तरफ हम रेड कलर फिलअप कर देंगे और राइट साइड में भी हम रेड कलर फिलअप कर दिए। अब हमारा ये देख सकते हैं कि आप एक के प्यारा सा आइकन बन के तैयार हो गया है। और बैक एलिप्स का भी आउटलाइन हम यहाँ से हटा देते हैं। ये व्हाइट बैकग्राउंड है, इसके पीछे हम एक ब्लैक बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं। डार्क बैकग्राउंड पे ये आइकन और ज्यादा क्लियर और अट्रैक्टिव दिखेगा। उससे पहले हम आइकन के नीचे एक शैडो इफेक्ट दे देते हैं कुछ इस तरह। अब इस आइकन का हम डुप्लीकेट कॉपी तैयार करेंगे। अब हम ये छोटे छोटे जो सिंबल आइकन है उसको उसके बीचों बीच रख देंगे। एड्रेस, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, कलर इसका व्हाइट कर देते हैं और ये लैंडमार्क या एड्रेस का सिंबल इस तरह देखिए। अब हमारा ये कस्टम आइकन क्रिएट हो गया, जिसे हम अपने किसी भी डिजाइन में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये आइकन्स डिजाइन पसंद आया होगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको जानकारी मिली, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।